अरे सरदर्दी, हमें नहीं पता था कि इस उम्र में भी तुम्हारी हड्डियाँ इतनी मजबूत होंगी। हाथ मेरे समझी नहीं बने, वरना मैं जो गले मिलता ना तो पता नहीं क्या क्या बकवास बनकर यहाँ से चला जा, चल। हाँ, अब तो मेरा बोलना भी बुरा लगता है। इतने अरसे के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला किसी को इतनी सारी खुशियाँ एक साथ भी दे सकता है। ये सब फौजिया ने किया है जो आज हमारे टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़ रहे हैं। जी हाँ, वाकई मान गए इस कहावत को, यानी वो गुड़िया वाली जरबुल दूसरी। अरे बच्चे, बातों में वक्त जाया मत करो, पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया है। अब तो सोचना ये है कि गुड़िया की शादी बड़ों में कैसे बदली जा सकती है। अरे भाई, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। दरअसल ये कहना चाह रही हैं करण जी कि हमारी और इनकी शादी की डेट कब फिक्स होगी। कुछ सुनोगे तुम मेरे मुंह से? बहरहाल मुझे तो इस बुजुर्ग की शादी को इतराज नहीं। तो फिर तय हुआ, इस ईद के चांद हमारे खानदान में एक और गुड़िया की शादी होगी, मगर इस बार गुड़िया सचमुच की होगी। Thank you.